आपको दिखाने जा रहा हूँ पाटोपुर की गणपति अप्पा, कपड़ा की सबसे बड़ी मूर्ति। ये है आपकी पाटोपुर छक्का की गणपति अप्पा की पूजा पंडाल, और बहुत सारे जो है पूजा पंडाल मैंने कवर किया। और आप ना आप भी देख लो, बड़ा बाजार की पूजा मंडप के पर गणपति अप्पा विराजमान है, तो बहुत सारे पूजा मंडप जो है मैंने कवर किया है, तो आप देख लेना गणपति अप्पा की बहुत सारे सुंदर सुंदर मूर्ति का दर्शन करना, और बुढ़े वीडियो को लास्ट तक देखना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ बिष्णुपुर करण साई गणपति के पास, लेकिन इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि निमापड़ा के जितने सारे तलवंडियों से लेकर और आपका श्याम सुंदरपुर, गोपीनाथ पटना और पतेवाड़ा पटना, उसके बाद राजबाड़ी मठा की गणपति अप्पा, और जो पाटोपुर गणपति अप्पा और अंडिया से गणपति अप्पा, सारे गणपति अप्पा के टूर आपको कराऊंगा मंडप की। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, और हमारे निमापड़ में ना गणपति अप्पा की जो पूजा होती है किस तरह से होती है और कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है आपको दिखाऊंगा। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स यू भाई। ये परिधान बस्ताड़ा उसकी साइड की गणपति अप्पा की मूर्ति। भाई डा कितने फुट मूर्ति? सात फुट। निमापड़ा मार्केट, अभी हम भाई दोनों साइड रोड हो चुके हैं, चलते हैं और दिखाते हैं कहां कहां पर गणपति देवी की मूर्ति हुई है। हम देखने आए गणेश बाजार निमापड़ा की गणपति अप्पा को, चलते हैं और डेकोरेशन तो भाई देखकर भी बाहर से अच्छी लगे, देखते हैं किस तरह गणपति अप्पा। भाई देख लो यहाँ पर बहुत ही अच्छी, अच्छी लग रहे हैं यहाँ पर। और कहीं आपको दिखाते हैं। A few moments later, भी हमें तलवंडिया के पास और उनकी गणपति अप्पा देख। तलवंडिया में देख ली तो आगे भी एक भाई मूर्ति है, पंडाल है जहाँ पर देखा दिखते हैं। भी देख लो एक पंडाल है और एक कुछ उनकी मूर्ति है, बहुत ही अच्छी लग रही है। आपने मछली मार्केट वाली जो वहाँ पर जो गणपति अप्पा थे उन्हें नहीं देखा, और उसके बाद सैमसंग वाली बहुत ही बड़ी वाली मूर्ति है उन्हें नहीं देखा, वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद बहुत सारी मूर्ति रहेंगे। हम पहुँच चुके हैं ऑंडिया से रोड के पास गणपति अप्पा के पास, बहुत ही अच्छी लग रही है, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ऐसी मूर्ति है लेकिन भाई डेकोरेशन और मूर्ति का फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। वाह, मेन मार्केट हो गया और यहाँ से आते वक्त यहाँ पर गणपति अप्पा, चलते हैं दर्शन करके और कहीं पर। अभी हम पहुँच गए ऑंडिया साइड के पास और देख लो मैं दक्षिणेश्वरी गणेश पूजा कमेटी और यहाँ पर गणपति अप्पा। भाई बहुत ही भाई वाह, मुझे तो भाई अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। ये आपका इंडिया साइड का गणपति अप्पा है यहाँ पर, बहुत सारी मूर्ति रखे, चलते हैं देखे बाजार की तरफ। लेकिन यहाँ पर भी गणपति अप्पा का है, थोड़ा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी देख लो छोटी सी मूर्ति है लेकिन फिनिशिंग अच्छी है। वाह वाह, और भी बहुत सारी मूर्ति रह गए, दिखाते हैं आपको, बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्ति भी। एक कर गणपति अप्पा की मूर्ति देख लो आप, बहुत ही अच्छी लग रही है। और तो बड़ी छोटी छोटी मूर्ति है, लेकिन बड़ा वाला मुझे देखा यार। चलो आगे चल, बहुत सारे मूर्ति है। हाँ हाँ, सीधा चल पंडाल के पास। उसी रोड से बाजार की तरफ जाते हुए हमने देखा अंडिया से के अंदर एक और मूर्ति, बहुत ही अच्छी लग रही है गणपति अप्पा। One hour later. अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ा बाजार के गणपति अप्पा के पूजा पंडाल पर। एक और पंडाल के पास, यहाँ पर तो भी अच्छी लग रही है मूर्ति, एक यूनिक स्टाइल में देख रहे हो, दिखाता हूं आपको। अरे भाई, एक और गणपति अप्पा पहुंच चुके हैं एक और पूजा पंडाल के पास, देख लो पतिरा भरना पड़ना गणपति अप्पा।
थी पोती दबाना पटना की गणपति अप्पा। चलते हैं भाई श्याम सुंदरपुर गणपति अप्पा को देखने, जो कि बहुत ही बड़ी मूर्ति है। अपना की सबसे बड़ी मूर्ति पोती दबा, सॉरी श्याम सुंदरपुर की गणपति अप्पा। देखकर आज गए श्याम सुंदरपुर की गणपति अप्पा, जो कि शायद निमापड़ा की सबसे बड़ी गणपति की मूर्ति है। यहाँ पर हम भाई जितने सारे मूर्ति देखे उनमें से हमको ये सबसे बड़ी लगी। क्या बोल रहा है लिपुनो? नहीं नहीं, हमारे गांव की बड़ी है। हमारे गांव की अच्छी लग रही है, लेकिन इससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ये बड़ा मूर्ति बहुत ही बड़ी है। पास गणपति अप्पा देखने, लेकिन रोड में जितने सारे गणपति अप्पा की मूर्ति आएगी और पंडाल आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। वाड़ी के पास भी एक गणपति अप्पा विराजमान है, दिखा दो आपको। हाँ भाई, जो वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पर गणपति अप्पा, ये बिल्कुल बारावाड़ी के पास यहाँ पर। भाई निमापड़ा में इस साल बहुत सारे मूर्ति है, लेकिन सबसे बड़ा वाला मूर्ति श्याम सुंदरपुर। कविया वासुदेव मंदिर जस्ट उसके सामने से हम पहुंच चुके हैं वासुदेव मंदिर की जस्ट आगे, एक और गणपति पंडाल पर। देख लो गणपति, बैक कैमरा दिखाता हूँ, लेकिन अच्छी लग रही है। देख लो लोकेशन है भाई वासुदेव मंदिर की जस्ट आगे गणपति बाबा की पंडाल। वाओ, अभी तक जितने सारे मूर्ति देखे थे कौन सी मूर्ति अच्छी लगी? पहुंच गए पाटोपुर, चलते हैं उनकी गणपति अप्पा को दिखाते हैं। आपको दिखाने जा रहा हूँ पाटोपुर की गणपति अप्पा मूर्ति में जबरदस्त लगी। देख लो फिनिशिंग, देख रहे हो ना भाई, जबरदस्त। वाव भाई क्या बना है गणपति अप्पा मौर्य। पाटोपुर की पंडाल के पास आकर उनकी मूर्ति तो देख ली भाई, जबरदस्त लग रहे हैं। और चलते हैं और कहीं थोड़ा मूर्ति देखते हैं। चलते हैं उस मूर्ति के पंडाल से जस्ट थोड़ा सा आगे, एक और पंडाल है, देखते हैं यहाँ पर। सेटा पुणी कह रहा छको, और पाटोपुर छको एटा सेटा गाँ। अच्छा सही है। हाँ चार छको, ये जो बाँ पटे जो आई दीटा छाड़ी तीन पास आकर उनकी मूर्ति देख ली। अब जाएंगे केनल रोड में, वहां पर क्या क्या पूजा मंडप है और पंडाल है, वहां पर जाकर थोड़ा मूर्ति देख ली। तो भाई कोई भी बड़ी मूर्ति हमको नहीं दिखी, तो थोड़ा यहाँ पर देखते हैं क्या होगा मूर्ति। अभी ग्रीनलैंड मंडप के पास जस्ट गणपति अप्पा की पंडाल, छोटी सी मूर्ति है, लेकिन भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। निमापड़ा मछली मार्केट के पास गणपति अप्पा को देखने। अरे भाई स्पेशल तो बहुत ही छोटी मूर्ति है। पहुंच गए निमापड़ा मछली मार्केट की जो गणपति अप्पा की पंडाल, लेकिन इस साल भाई मैं भाई क्या बोलूँ, बहुत ही छोटी मूर्ति। जा रहे भाई निमापड़ा गोलेश्वर के जस्ट आगे सिद्धेश्वर कल्याण मंडप के पास, बहुत ही बड़ी मूर्ति होती है, देखते हैं। कल्याणी मंडप और पूजा पंडाल जस्ट पास में। तो भाई अभी हम पहुंच गए निमापड़ा गोलेश्वर के जस्ट आगे सिद्धेश्वर कल्याणी के पास, गणपति देव की मूर्ति। बहुत ही बड़ी मूर्ति है, लेकिन इस साल इतना ही बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे गांव की मूर्ति बहुत ही अच्छी लग रही है। और पाटोपुर की दो मूर्तियों से बहुत अच्छी लगी, और बड़ बाजार की एक मूर्ति हाई, और बड़ बाजार जस्ट आगे है पाजरा पटना, और उसके थोड़ा सा आगे झगड़ा मंदिर की जो भाई आगे जो गली है उस पाइप पर गणपति अप्पा एक नंबर।
आए थोड़ा पानी भर ले भाई तेरा एक ले मेरा एक ये ये है बिष्णुपुर देवली से गणपति बाबा की पंडाल और बहुत सारे नीमापड़ा की पंडाल मैंने आपको दिखाया। अगर आप दर्शन करना चाहते हो घूमना चाहते हो आकर देख लेना, हर पंडाल पर बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति दिखेगी। भाई डेकोरेशन एक नंबर डेकोरेशन भाई तुम्हारी गांव के लोग ने क्या है भाई देखा देवली साई की गणपति अप्पा की पंडाल भाई डेकोरेशन एक क्लास मूर्ति बहुत ही छोटी है लेकिन क्या हुआ डेकोरेशन जबरदस्त। तो आप चलते हैं ऊपर साइड थोड़ा गणपति देखते हैं विष्णुपुर की, लेकिन हमारी गाँव की मूर्ति ना एक नंबर भाई। ये विष्णुपुर ऊपर साई की गणपति बप्पा वो बहुत इससे बारिश हो रही है लेकिन हमने भाई ऑलमोस्ट सारी गणपति बप्पा की जो पंडाल है कवर कर लिया। निमा पड़ा की क्या बोलता है फिर से कौन सी मूर्ति अच्छी लगी हमारी गांव की कि निमा पड़ा की कितने सारे गणपति बाबा की पंडाल और पूछते हैं भाई। तो बहुत सारे पंडाल के बाद इनसे पूछते हैं तुम्हें भाई हमारी गांव की मूर्ति कैसी लगी तुम्हें किस कैसा लगी अच्छा लगी अच्छी लगी और मिलन तुझे बहुत अच्छी लगी। तो आपने तो बहुत सारे मूर्ति देखा तो कौन सी वाली मूर्ति अच्छी लगी कमेंट में बताना। सही तुझे अच्छी लगा एंड करते और चैनल पर तो क्या करना और बस एंड करता हूँ।